है चार फ्रेंड्स के बारे में। तो इस मूवी के स्टार्टिंग में भी हम उन्हीं चार दोस्तों को देखते हैं। वो एक आइलैंड पर मौजूद होते हैं और एक दूसरे से क्वालिटीज में बेहतर होने की बहस कर रहे होते हैं। यानी वो कह रहे होते हैं कि मैं तुमसे बेहतर हूँ, कि अचानक से उनकी बेट लग जाती है और कार्ड्स की गेम खेलने में वो सब बिजी हो जाते हैं। और इसी दौरान हमें इनका असली इंट्रोडक्शन दिखाया जाता है, जिसके मुताबिक एक सोल्जर का नाम जेंसन होता है जो कि टेक्नोलॉजी मास्टर होता है, और दूसरे का नाम होता है कोगर जो कि तीरंदाजी में मास्टर होता है, तीसरे का नाम पूछ होता है जो कि कार्स और वेपन्स का मास्टर होता है, जबकि छोटे सोल्जर का नाम रॉक होता है जो कि प्लानिंग का मास्टर होता है। फिर आता है क्ले जो उनको एक मिशन पर बोलीविया लेकर जाता है। रास्ते में वो उन्हें एक ड्रग्स और आर्म्स डीलर के बारे में बताता है जिसका नाम फैडल है। एक डोमेस्टिक टेररिस्ट यानी दहशत गर्द एक असेंबली को रन कर रहा होता है। क्ले कहता है कि हम इसे ढूंढेंगे और लेजर टारगेटेड बॉम्ब से पेंट करेंगे और हम इसे बच निकलेंगे और कोई गड़बड़ या कोई हंगामा नहीं होगा। फिर वो सब टारगेटेड एरिया पर पहुंच जाते हैं, लेकिन जहां उन्होंने अटैक करना होता है वहां बच्चे होते हैं। फिर वो लोग ऑपोजिट साइड से जाकर अटैक करते हैं, वो कंपाउंड में एंटर होते हैं और सब सोल्जर्स को एक एक करके शूट कर देते हैं। क्ले उस ड्रग डीलर को भी शूट कर देता है और वो सब सक्सेसफुली उन सब किड्स को रेस्क्यू कर लेते हैं और वहां से निकल जाते हैं। फिर वो सब उन बच्चों को एक हेलीकॉप्टर में सेफली भेज देते हैं, लेकिन ऑपरेशनल सेंटर से क्ले को मैक्स नाम का एक आदमी बताता है कि इस हेलीकॉप्टर को डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर आया है, और अचानक उस हेलीकॉप्टर को एक मिसाइल आकर बच्चों समेत डिस्ट्रॉय कर देता है। उन सोल्जर्स को पता होता है कि ये अटैक किड्स को मारने के लिए किया गया था, यानी बच्चों को मारने के लिए ही किया गया था, इसलिए वो अपनी फेक टेस्ट को प्रूफ करने के लिए वहां अपनी चीजें छोड़ देते हैं। न्यूज में ये प्रूफ हो जाता है कि उन सब की डेथ हो चुकी है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि दो चिकन्स की फाइट हो रही होती है और वहां क्ले और रॉक ने बेट लगाई होती है, लेकिन वो हार जाते हैं। क्ले को वहां पर एक लड़की देख रही होती है। फिर क्ले और रॉक एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। क्ले रॉक को कहता है कि हमें मैक्स के खिलाफ जाने के लिए कुछ भी करना होगा, तो रॉक उसे कहता है कि हमारे पास पैसे नहीं है और ना ही हम अब सोल्जर्स हैं, इसलिए वो उसे कहता है कि हमें ये सब नहीं करना चाहिए। फिर हम क्ले को एक क्लब में देखते हैं, वहाँ वही लड़की उसका पीछा करते हुए वहाँ तक आ जाती है। वो उसे फ्रैंक होने की कोशिश करती है। क्ले उसे होटल के रूम में ले जाता है। वो लड़की वॉशरूम जाने के बहाने से अपनी गन छुपा कर लाती है और उन दोनों में जबरदस्त किस्म की फाइट शुरू हो जाती है। दिखने में तो वो लड़की कमजोर सी होती है, लेकिन जब वो क्ले के साथ फाइट करती है तो ऐसा लगता है जैसे वो फाइटिंग की मास्टर है। वो क्ले के सर पर बॉटल फेंकती है, लेकिन वो बच जाता है। फिर वो उसको चेयर से मारती है। वो तो एक कमाल की फाइटर थी। फिर क्ले उसे पूछता है कि तुम मुझसे क्या चाहती हो। वो कहती है कि मैं मैक्स को फाइंड करने में तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। क्ले उस लेडी से पूछता है कि तुम कैसे जानती हो कि हम जिंदा हैं। वो कहती है कि मैंने हेलीकॉप्टर के मलबे में से टोटल टीथ काउंट किए थे। वो क्ले को एक डील ऑफर करती है, जिसमें उसे कहती है कि मैं आप सबको आपकी पोजीशंस वापस दिलाऊंगी और इसके बदले में मुझे मैक्स चाहिए। वो लेडी उसे एड्रेस देती है और वहाँ सब सोल्जर्स के साथ आने का कहती है। क्ले उसे कहता है कि अगर तुमने मुझसे झूठ बोला है तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो सब उस लड़की के कहने पर एक कब्रिस्तान यानी ग्रेवयार्ड में आ जाते हैं, क्योंकि उस लड़की ने उन्हें वहां मिलने का कहा था। रॉक क्ले को रिमाइंड करवाता है कि पहले भी कई बार वो लड़कियों की वजह से प्रॉब्लम्स में फंसे थे। एक बार किसी लड़की ने उसकी कार में बॉम्ब रख दिया था, इसलिए उसे कॉन्शियस रहने की एडवाइस करता है। फिर वहाँ वो लड़की आ जाती है और अपना नेम आयशा बताती है। वो उन्हें बताती है कि मैक्स 30 प्राइवेट सिक्योरिटी के साथ ट्रेवल करता है, और वो उनसे कहती है कि मेरे पास ये पार है कि आप सबको वापस US में पोजीशंस वापस दिला सकती हूँ और पूरे ऑपरेशंस को फंड्स दे सकती हूँ क्योंकि आप फिट हैं। तो रॉक उसे कहता है कि हम तुम पर कैसे ट्रस्ट कर लें। वो कहती है कि मैं वो पहली बंदी हूँ जो एडमिट करती है कि मैक्स एक्सिस्ट करता है। वो कहती है आप लोगों के पास दो चॉइसेस हैं, या तो यहाँ बैठकर टाइम वेस्ट करो या फिर उससे रिवेंज लो। फिर हम देखते हैं कि दुबई में मैक्स एक आदमी से एक डील के बारे में पूछ रहा होता है और कहता है कि मुझे बताओ कि क्या ये एक फाइनेंशियल इशू है या फिर मोरल इशू। वो कहता है कि ये एक मोरल इशू है। फिर वो कहता है कि अच्छा तो तुम इस डील पर मोरल ऑब्जेक्शन दे रहे हो। वो कहता है कि प्लीज आई एम सॉरी इसे छोड़ दो। रिच मैन अपने आदमी को इशारा करके उसे मारने का कहता है, लेकिन वो समझता है कि वो कह रहा है कि उसे 57th फ्लोर से नीचे फेंक दो। फिर वो बाकी दो लोगों से उनके पर्सपेक्टिव्स पूछता है और उनमें से एक आदमी
कहता है कि हमारे मोरल पर्सपेक्टिव्स डिफरेंट हैं, यानी मोरल वैल्यूज को हम डिफरेंट तरीके से देखते हैं। मैक्स कहता है कि मुझे उनसे एक टेस्ट करना है और चार यूज करने हैं। वो आदमी कहता है कि मुझे और पैसों की जरूरत होगी। रिच मैन कहता है कि तुम्हें पैसे भी मिल जाएंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आयशा उन सब सोल्जर्स को सीक्रेटली यूएस ले आती है। फिर वही रिच मैन एक हेलीकॉप्टर में होता है और एक सोनिक डीमेटेरियलाइजर एक खाली आइलैंड पर ट्राई करने के लिए डिस्ट्रॉय कर देता है और कहता है कि इसे कोई पोल्यूशन नहीं होगा। फिर उस रिचमैन का आदमी वेट पूछता है कि ये हम किसको सेल करेंगे। उसने कहा है कि हम इसे चाइनीज लोगों को सेल करेंगे और पता नहीं वो इसकी असल कीमत दे पाए या नहीं। ये ऐसा है जैसे किसी 6 साल के बच्चे के हाथ में गन पकड़ा दी जाए। वेट कहता है इसका क्या मतलब है। एक और जंग मैक्स कहता है कि हम सब यूएस को सेव करने के लिए कर रहे हैं। मैक्स की असिस्टी अम्ब्रेला नहीं हैंडल होती तो वो उसे वेपन से शूट कर देता है। फिर हम देखते हैं उन सोल्जर्स का ग्रुप एक ड्रामा करते हैं और अपने फेक नेम्स रख लेते हैं, जिसमें कैवेलियर वायरलेस बूथ से एक मैसेज भेजता है कि हमारा एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें कार्वे मर चुका है और फ्रीमैन बहुत ज्यादा जख्मी है। हमें मेडिकल असिस्टेंट चाहिए होगा और जैसे वो एजेंट्स उनको रेस्क्यू करने आते हैं तो उनके बाकी साथी छुपकर उन पर अटैक करके उनको बेहोश कर देते हैं। फिर वहाँ क्ले और आयशा आ जाते हैं। इतने में पूछ और जेनसन क्ले को दिखाने के लिए एक रॉकेट लॉन्चर रेडी करते हैं और उसे टेस्ट करते हैं। वो सक्सेसफुल हो जाता है तो वो सब खुश हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो लोग कैंप में वापस आकर हेलीकॉप्टर को पेंट कर रहे होते हैं तो जेनसन आयशा से पूछता है कि तुम कहाँ से हो, तो वो कहती है कि मैं नॉर्थ अमेरिका से हूँ। फिर वो उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ ग्रुप के बाकी लोग क्ले के साथ इक्विपमेंट्स रेडी कर रहे होते हैं। आयशा उनसे कहती है कि मुझे लगता है कि ये गन्स अटैक के लिए बहुत छोटी हैं। फिर रोक आयशा से पूछता है कि तुम्हें मैक्स से क्या प्रॉब्लम है, हम घर वापस भी तो जा सकते हैं। आयशा उसे उस डील के बारे में याद दिलाती है तो रोक उसे रूडली कहता है कि तुम्हारी डील क्ले के साथ थी और मुझे मेरे सवालों के जवाब चाहिए। फिर आयशा उसे बताती है कि मैक्स बहुत एडवांस वेपन्स बाय कर रहा है और मैं नहीं जानती कि इस सबका एंड क्या होगा, लेकिन मुझे बस इतना मालूम है कि जब वो किसी चीज में इंटरेस्ट ले लेता है तो बहुत से लोग मारे जाते हैं। तो रोक उससे पूछ है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम उसे रोक पाओगी, तो वो कहती है ये काम तुम लोग करोगे। रोक अपनी गन उस पर रखकर क्ले से पूछता है कि क्या मैं इस लड़की को मार दूं, तो क्ले कहता है कि तुम ऐसा नहीं करोगे। तो आयशा कहती है कि मुझे शूट कर दो, लेकिन क्ले उसे रोकता है। फिर कुछ देर सोचने के बाद रोक मान जाता है और उसे शूट नहीं करता, लेकिन उसे कहता है कि अगर हम इस लड़की की वजह से किसी प्रॉब्लम में फंसे तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रोक और क्ले एक कार के अंदर छुपकर देख रहे होते हैं कि एक गाड़ी बहुत प्रोटोकॉल के साथ जा रही होती है और उनको यकीन होता है कि इसके अंदर मैक्स ही है। जैसे ही मैक्स की गाड़ी चलती है तो रोक उस पर लोकेशन वेपन फायर करता है, जिससे उनको पता चल सके कि मैक्स कहाँ जा रहा है। वो सब अपनी पोजीशन सेट कर लेते हैं। कोगर एक गाड़ी को फोकस करके उस पर शूट कर देता है और वो तबाह हो जाती है। फिर मैक्स का आदमी वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि आसपास के सब रास्ते ब्लॉक्ड हैं। इतने में क्ले कार में से निकलकर उनकी तरफ एक स्मोक शेल फायर करता है और साथ ही आयशा और पूछ हेलीकॉप्टर में आ जाते हैं और मैक्स का आदमी उन पर शूट करने का ऑर्डर देता है और साथ ही रोक ने जिस गाड़ी पर लोकेशन लगाई हुई थी वो उसे फायर कर देता है। वेट कंट्रोलर से हेल्प का कहता है और जिस ट्रक में वेपन्स जा रहे थे वो लोग उसे हेलीकॉप्टर के जरिए उठा लेते हैं और मैक्स के लोग नीचे से हेलीकॉप्टर पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। फिर क्ले पूछ से उनका करंट स्टेटस पूछता है तो वो कहता है कि हमने ट्रक को उठा लिया है और अब उसे ले जा रहे हैं। फिर वो सब वापस आ जाते हैं। पूछ हैरान होकर क्ले से कहता है कि क्या तुम जानते हो वहाँ मैक्स का आदमी वेट भी मौजूद था। रोक उसे कहता है कि ट्रक के अंदर देखना चाहिए कि क्या है। जैसे ही ट्रक का डोर खुलता है तो उसमें से सोल्जर्स बाहर आते हैं और क्ले पर गन रख लेते हैं, तो वो सब आकर उन सोल्जर्स को बेहोश कर देते हैं और क्ले को बचा लेते हैं। फिर क्ले उनके एक सोल्जर से पूछता है कि मैक्स कहाँ है, तो वो उसे कहता है कि मैं नहीं जानता। पूछ उसको भी बेहोश कर देता है। फिर कोगर ट्रक में से एक बॉक्स निकाल कर लाता है तो उसमें से एक हार्ड ड्राइव निकलती है। वो हार्ड ड्राइव लॉक्ड थी और उसे हैक किए बगैर नहीं खोला जा सकता था। क्ले आयशा को मारने को हर चीज को जलाने के ऑर्डर्स देता है। आयशा उसे कहती है कि क्या तुम नहीं देखना चाहोगे कि उस हार्ड ड्राइव में क्या है, पर मुझे नहीं पता कि मैक्स कहाँ है, लेकिन मैं इतना जरूर जानती थी कि उस ट्रक में अपना कुछ बहुत कीमती लेकर जा रहा है, और कहती है कि इसमें जो भी है वो हमें देखना चाहिए ताकि हम उसके अगेंस्ट यूज कर सके। फिर जेनसन क्ले को बताता है कि हार्ड ड्राइव आसानी से नहीं खुलने वाली।
फिर क्ली उनको कहता है कि क्या तुम्हें याद है उस आदमी की वजह से उन बच्चों की जान गई थी। तो रॉक कहता है कि हाँ मुझे याद है, लेकिन मुझे इन सब में नहीं पड़ना, मुझे अपनी पहले जैसी लाइफ चाहिए। वो गुस्से में उस लड़की को मारने के लिए जाता है तो क्ली उसे कहता है अगर तुम्हें मेरे काम करने का तरीका नहीं पसंद तो तुम जा सकते हो। तो रॉक उसे कहता है कि कहाँ जाऊँ, हम लोग अब फंस चुके हैं और तुम आगे क्या करना चाहते हो। ये सब बातें करके वो क्ली को गुस्सा दिलाता है तो क्ली उसे पंच करता है यानी मुक्का मारता है और बाकी सब उसे रोकते हैं। फिर पोस्ट रो को कहता है कि तुम्हें इस बात पर खुश होना चाहिए कि हम अलाइव हैं, जिंदा हैं और हमारे पास मैक्स के अगेंस्ट यूज करने के लिए वो हार्ड ड्राइव है। क्ली उसे कहता है कि आयशा को खोल दो क्योंकि उन्होंने आयशा को बांध दिया था। नेक्स्ट सीन में हम मैक्स को देखते हैं, वो किसी को एक कोड बता रहा होता है तो वेट उससे आकर उस कोड के बारे में पूछता है। मैक्स अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में ये जानने के लिए वेट से पूछता है कि उसको इस बारे में पता है या नहीं। वो कहता है कि क्या तुम इनके बारे में जानते हो, वो कहता है नहीं जानता। मैक्स उससे कहता है हमें आगे के लिए काम करना चाहिए, फिर वो उसे 5 सेकंड्स देता है और कहता है कि मुझे बताओ कि मेरी हार्ड ड्राइव के साथ क्या हुआ। तो वेट उसको एक बुक देता है जिसमें क्ली और उसके यूनिट की पिक्चर्स होती है। मैक्स उसे ये कहकर वापिस कर देता है जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वेट उसे याद दिलाता है तुमने 4 महीने पहले कुछ लोगों को मारने के लिए उनके साथ काम किया था। तो वो कहता है इन 4 मंथ्स में मैंने बहुत कुछ किया है। फिर वो उसे कुछ और हिंट्स देता है तो उसे याद आ जाता है। मैक्स पूछता है कि क्या मेरी हार्ड ड्राइव उनके पास है। अच्छा तो 5 मरे हुए लोगों ने तुम्हें हाईजैक किया और तुमने पता लगाया कि इन सब के पीछे कौन था। तो वो कहता है कि कोई स्पेशल ऑपरेशन था। तो मैक्स कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि हमारे पीछे कोई आ रहा है। वो उसे इंस्ट्रक्शन देता है कि मुझे 12 आवर्स में 18 फायरमैन की टीम चाहिए। नेक्स्ट सीन में वो सब एक कार में बैठे होते हैं तो रॉक और क्ले एक दूसरे से सॉरी करते हैं। फिर वो लोग उस प्लेस पर जाते हैं जहां वो हार्ड ड्राइव मैन्युफैक्चर हुई थी। सबसे पहले जेनसन सिंह करते हुए बिल्डिंग में एंटर हो जाता है और लिफ्ट के जरिए जाता है और लिफ्ट में ही वो ड्रेस चेंज कर लेता है और फिर किसी बहाने से वो वहां के मैनेजर को बाहर निकालता है, रिसेप्शन पर फेक इंट्रोडक्शन देता है और कहता है कि यहाँ पर एंडरसन का सिस्टम ठीक करने आया हूँ। तो रिसेप्शनिस्ट उसे वेट करने का कहती है तो जेनसन उसे बातों में लगाकर उसके रूम में चला जाता है और USB में सारा डेटा स्टील कर लेता है यानी चुरा लेता है। इतने में सिक्योरिटी का आदमी आ जाता है तो वो उसे ब्रीफकेस उसके मुंह पर मार के भाग जाता है। वो जैसे ही लिफ्ट के पास पहुंचता है तो सिक्योरिटी उसको रोक लेती है। तो सिक्योरिटी के सामने अपना स्टूपिड ड्रामा करता है कि मैं एक गन मशीन हूँ और सबको शूट कर दूंगा। वो ये ड्रामा इसलिए करता है ताकि कोगर उसकी वॉइस सुन ले क्योंकि उसने रीप्लक्स पहने हुए थे। इतने में कोगर उन्हें शूट कर देता है और वो वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। वापस जाकर वो उस हार्ड ड्राइव को ओपन करने की कोशिश करते हैं। जब उसे हैक करते हैं तो उसमें मैक्स के $400 मिलियन होते हैं। फिर उनको उसमें कुछ लोकेशंस मिलती हैं जिसको वो ट्रेस करते हैं और फिर हम देखते हैं कि वेट मुंबई में किसी बिजनेसमैन के साथ एक डील करने आता है। तो वो वेट से $1 मिलियन मांगता है तो वेट मैक्स को कॉल करके बताता है तो मैक्स कहता है ये तो बहुत ज्यादा है। फिर वो उसे ऑर्डर देता है कि उन 18 फायरमैन के जरिए क्ले और उसके ग्रुप को मरवा दो। वेट उसे कहता है कि उनमें मेरा ब्रदर इन लॉ है लेकिन फिर भी मैं उनको मार दूंगा। नेक्स्ट सीन में हम वो एक ग्रुप को एक शिप में देखते हैं। वो मैक्स की लोकेशन को देख रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि जेनसन को हार्ड ड्राइव में $400 मिलियन के बारे में कोई इन्फो मिलती है। उनको फैथिल के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती है जिसको मूवी के शुरू में मार दिया गया था। वो गन्स उठाकर क्ले के पास आते हैं और कहते हैं कि आयशा फैथिल की बेटी है। सुनकर आयशा भी अपनी गन निकाल लेती है और वो जेनसन पर गोली चला देती है और उसके बाजू पर लग जाती है। फिर उन सब में फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है और वो सब आयशा पर फायरिंग करते हैं लेकिन वो भागने में कामयाब हो जाती है। नेक्स्ट सीन में वो सब क्ले को ब्लेम करते हैं और फिर जाने की बात करते हैं लेकिन फिर से वो अपना डिसीजन चेंज करके क्ले के साथ देते हैं। फिर वो सब मैक्स के लोकेशन पर जाते हैं और सब अपनी पोजीशन सेट कर लेते हैं ताकि अटैक कर सके। वहां जेनसन को कुछ सोल्जर्स आकर घेर लेते हैं। क्ले को ऐसा लगता है कि ये उनकी कोई चाल है तो रॉक वेट के साथ मिलकर क्ले को पकड़ लेता और उसको बुरा भला कहता है और वो हार्ड ड्राइव वेट के हवाले कर देता है यानी उसे दे देता है। फिर वेट क्ले को बताता है कि ये एक CIA का मिशन था और तुमने $1 बिलियन चुराने की कोशिश की है। तो क्ले रॉक से कहता है कि तुमने बहुत बड़ी गलती की है। जो आर्मी उनको पकड़ती है
वो पूज की टांगों में गोलियां मार देते हैं। इतने में आयशा सुपरमैन बनकर उनको बचाने आ जाती है। आयशा क्ले से पूछती है कि क्या तुमने मेरे पाप को मारा था? उसे कहता है कि हाँ, क्योंकि वो बुरा आदमी था। इतने में ही तीन सोल्जर्स आ जाते हैं तो आयशा उन्हें शूट कर देती है और वो सारे मैक्स को पकड़ने वहां पहुंच जाते हैं। जहां वो डील कर रहा होता है वहीं पर फाइटिंग शुरू हो जाती है। वो एक दूसरे पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। क्ले और रोक भी आपस में फाइट करते हैं। क्ले रोक की एक आंख जख्मी कर देता है। वेड उसका पीछा करता है। एक तरफ से प्लेन आ रहा होता है और दूसरी तरफ से वेड आ रहा था और दरमियान में क्ले खड़ा हुआ था। तो क्ले कोगर को वेड को शूट करने का कहता है कि वो वेड को जब शूट करता है तो वो प्लेन के इंजन में जाकर टकराता है और उसकी बाइक जाकर प्लेन में लगती है और प्लेन भी क्रैश हो जाता है, यानी तबाह हो जाता है। मैक्स वहां से भागने लगता है तो क्ले उसे पकड़ लेता है और उसके शोल्डर पर गोली चलाता है। जिस बॉम्ब के लिए मैक्स ने डील की थी उसका रिमोट उसके हाथ में होता है। वो उस रिमोट को सी में फेंक देता है और क्ले सी में जंप करके रिमोट पकड़ लेता है। मैक्स वहां से भाग जाता है और क्ले आयशा को अपने साथ जाने का कहता है तो वो उसे कहती है कि मुझे अभी सबको खत्म करना है। वो सब अपने घर चले जाते हैं। या मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि उनकी टीम एक मिशन पर होती है और पूज को फोन पर पता चलता है कि उसका बेबी हुआ है, तो वो अपने बेबी को देखने जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।